नमस्कार, तो चलिए मौसम की बात कर लेते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने से मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल गया है। भोपाल में शनिवार सुबह 3 बजे से गरज चमक के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। हरदा में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 21 जिलों में ओले बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। शुक्रवार को उज्जैन में आंधी के कारण रीजनल कॉन्क्लेव के टेंट उखड़ गए, जबकि ग्वालियर, गुना, बुरहानपुर में तेज बारिश हुई। भोपाल में रात को तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई है। इधर 5 मार्च को फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, इसका असर भी प्रदेश में देखने को मिलेगा। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश में गर्मी का असर भी देखने को मिला। शिवपुरी को छोड़ बाकी शहरों में दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री के पार ही रहा। मौसम विभाग भोपाल के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उसके आसपास चक्रवाती परिसंचरण के रूप में एक्टिव है। वहीं दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर चक्रवाती हवाओं का घेरा है, ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। इन सब के प्रभाव से दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिस वजह से प्रदेश में बारिश ओले का दौर फिर से शुरू हुआ है। शुक्रवार को उज्जैन में तेज आंधी तूफान से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगे खान पान के स्टॉल को नुकसान हुआ है। कई स्टॉल के पंडाल उड़ गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित निकाला। SP प्रदीप शर्मा और कलेक्टर नीरज सिंह हालात का जायजा लेने भी पहुंचे थे।